जी में कितने बड़े बड़े लकड़ी के गोले आए हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, एक दो दो तीन तीन वहाँ पे फंसे हुए जल पे। ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है, फिर से जल के गति तेज आपको देखने को मिल रहा होगा, काफी ज्यादा तेज जल घाट में ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, काफी तेज है जल की धारा। आज यहाँ पे ऊपर पहाड़ों का अद्भुत सुंदर नजारे देखने को मिल रहे होंगे, उड़ते हुए बादल का अद्भुत नजारे सुबह ही देखने को मिलते हैं, लेकिन आज बारिश हुई है सुबह सुबह, काफी अच्छी खासी तेज बारिश हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से यह दृश्य देखने को मिल रहा है। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज हम फिर से आ चुके हैं ऋषिकेश, सुबह के 7 बजे हैं, अच्छी खासी तेज बारिश यहाँ पे हुई है और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से दृश्य देखने को मिल रहा है। अभी कुछ घाटे जलमग्न फिर से हो चुके हैं, काफी ज्यादा तेज जल दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिन आज को लेके 3 दिन काफी अच्छी खासी बारिश हुई है यहाँ पे खासतौर पर, और जो दृश्य है वो जल को आप देखेंगे काफी ज्यादा रेत मिट्टी वाली अभी देखने को मिल रहा है। और अभी भी आरती परिसर जो मेन घाट जहाँ पे आरती होती है वो अभी डूबा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश के प्रमुख स्थान जैसे कि त्रिवेणी घाट, जानकी सेतु, राम झूला, लक्ष्मण झूला, सारी जगहों के इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और जब हरिद्वार आएंगे, ऋषिकेश आएंगे, तो आपको मौसम की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप बने रहे, आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और जब भी ऋषिकेश का आपको अलग नज़ारा देखना हो तो आप सुबह जरूर आइएगा, देख रहे ऊपर पहाड़ों का अद्भुत नज़ारे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे। सारे घाटों में पूजा पाठ किया जा रहा है, देख रहे हैं आगे वाली घाट डूबा हुआ है पूरी तरह से, और ये चेंजिंग रूम है माता और बहनों के लिए। अगर जल की धारा आओ तो थोड़ा सा तेजी हो तो ये वाली घाट डूब जाएगा। तो चलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं जानकी सेतु का दृश्य। यहाँ से कुछ दूरी में है, लगभग 3 किलोमीटर के दूरी में है। अगर आप ऑटो से जाना चाहेंगे तो आपको 20 रुपया पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे ऑटो वाले छोड़ देंगे, ऑटो आपको त्रिवेणी जो चौक है आगे चौक वहाँ से मिलेगा। देख रहे हैं काफ़ी भव्य और सुंदर घाट है, जब आते हैं आप तो आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा इस घाट का। तो हम आप चल रहे हैं जानकी सेतु के लिए, आपने दृश्य देख लिया त्रिवेणी घाट का। ये यहाँ की पार्किंग है, देख रहे हैं ये पार्किंग है, पेड पार्किंग है ये, 8 से शाम को 8 बजे तक ये पेड रहता है, फिर ये निःशुल्क हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ की एंट्री द्वार ये है, अभी दिखाते हैं एंट्री द्वार आपको, फिर यहाँ से हम जानकी सेतु के लिए जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ऋषि कुंड बना हुआ है, तो आप आते हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं पूजा पाठ के। लोग यहाँ पे देख रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं, देख रहे हैं सुबह सुबह जाम है, जाम सुबह सुबह ही लग चुका है, आज भीड़ है। ऐसा तो जाम यहाँ पे लगना कॉमन होता है, यहाँ पे लोकल लोग और टूरिस्ट और खासतौर पर संडे को भीड़ और भी ज़्यादा होने की वजह से जाम यहाँ पे लग ही जाता है। दोपहर में सही होता है, दोपहर में जाम नहीं होता। ये हम आ चुके हैं जानकी सेतु पे, 3 मार्ग है यहाँ पे, और ऊपर पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिल रहे होंगे, स्वर्ग के दर्शन आपको यहीं से हो जाएंगे। देख रहे हैं सुबह सुबह आइए, अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अभी हालांकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन जो शांत माहौल और ऊंचे पहाड़ों का दृश्य है वो मन को आपको लुभा लेगा। एक ब्रिज आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये राम झूला, अभी हम आपको राम झूला से जानकी सेतु उस किनारे लेके जाएंगे। 2 किलोमीटर की सफ़र है, 2 किलोमीटर में 4 बड़े आश्रम मिलेंगे और साथ साथ आपको भव्य और अलौकिक दृश्य भी देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले हम आपको यहाँ पे घाट का दृश्य दिखा देते हैं, फिर जाएंगे वहाँ वहाँ का दृश्य दिखाते हैं।
रिवर राफ्टिंग अब शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं सारे रिवर राफ्टिंग वालों की गाड़ियां यहां पे खड़ी हुई हैं, और यहां से रिवर राफ्टिंग खत्म होता है और आगे यहां से 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग किया जाता है। ये हम आ चुके हैं नीचे घाट पे और काफी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं मौसम का, और जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया, काफी सारे लोग ऐसे, तो जब भी आप आते तो यहाँ पे आए, एक अलग ही अनुभव आपको होने वाला है। और जल की धारा तेज है तो स्नान करते वक्त सावधानी पूर्वक स्नान करें आप। देख रहे काफी सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चलते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा, भूतनाथ टेम्पल है। अधिकतर हम हर वीडियो पे, जब भी वीडियो बनाते हैं वहाँ का जिक्र करते हैं। भगवान शिव की बारात वहाँ पे रुकी थी। और यहाँ पे गीता भवन है जो कि निःशुल्क है, पहले आपको पैसे देने होते हैं जो कि रिफंडेबल होता है बाद में, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी सारे लोगों ने ये बात पूछी थी। और वो वाले ब्रिज है तो चलते हैं, पहले वहाँ तक जाएंगे। काफ़ी हालांकि यहाँ से नज़दीक लग रहा है, नज़दीक नहीं, लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से। आप चाहे तो इधर से भी जा सकते हैं, आप चाहे इधर से भी जा सकते हैं। इधर से जाएंगे तो वहाँ पे पार्किंग मिलेगा, और अगर आप इधर से जाना चाह रहे हैं तो पीछे हमने आपको पार्किंग दिखाई है, इधर इधर पार्किंग है, तो पार्किंग आपको यहीं पे रख के गाड़ी अपनी पैदल जाना होगा, या बाइक से है तो बाइक से जा सकते हैं, फोर व्हीलर नो एंट्री है उधर, और टू व्हीलर में आप आराम से जा सकते हैं। टू व्हीलर हम अपने पास है तो हम टू व्हीलर में अभी पूरे वहाँ तक का दृश्य आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, अब हम ब्रिज क्रॉस करेंगे, जानकी सेतु को, ये वाली ब्रिज को क्रॉस करेंगे और फिर हम उस तरफ मिलते हैं आपसे। अगर आप लीनगढ़ महादेव जाना चाह रहे हो, टैक्सी स्टैंड इधर है, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ही दूर पे टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, आप उधर से आराम से 200 रुपया पर पर्सन के हिसाब से टैक्सी से आप नीलकंठ जाके आ सकते हैं। आने जाने का किराया है 200 रुपया। और इधर से हम जाएंगे तो चार बड़े आश्रम है, प्रमुख आश्रम, उधर हम आपको लेके भी जाते हैं। और इधर से जाएंगे तब आपको राम झूला भी मिलने वाला है। फिर से हम आ चुके हैं ये वाले ब्रिज को क्रॉस करके जर्ग सेतु को, यहाँ पे माँ गंगा की जल की धारा फिर से वही रौद्र रूप वाली दिखाई दे रही है। स्नान करना यहाँ पे थोड़ा रिक्स भरा होता है। अभी हम दिखाते हैं किनारे से यहाँ पे कितनी तेज है माँ गंगा की जल की धारा, देख रहे हैं काफी तेज है। तो स्नान करना यहाँ पे कहीं ना कहीं रिक्स भरा होता है। और ये है वनप्रस्थ आश्रम, अभी ये पहला आश्रम है, 3 और आश्रम मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो गीता भवन में सबसे सस्ता मतलब फ्री मिलेगा रहना खाना, जो भी आपको देना हो आप दे सकते हैं। और दूसरा आश्रम मिलेगा आपको स्वर्ग आश्रम, जो कि 400-300 में रूम आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और सबसे महंगे आश्रम है वनप्रस्थ आश्रम और परमात्मा के, तो दो आश्रम है जो कि काफ़ी बड़े काफ़ी महंगे भी है और इस मार्ग में सबसे अच्छा आश्रम भी है। तो चलते हैं, अभी आगे का दृश्य दिखाएंगे और ऊपर का दृश्य तो देख ही रहे, काफ़ी भव्य और काफ़ी सुंदर दृश्य है। और नीलकंठ के लिए आपको हमने मार्ग बता दिया, अगर नीलकंठ महादेव जाना चाह रहे तो वहाँ से आप जा सकते हैं। जो मार्ग है 2 किलोमीटर का, उसमें हमने आधा तो तय कर लिया है और पहुंच चुके हैं हम लोग परमात निकेतन वाले आश्रम के पास। पहले हम आपको घाट का दृश्य दिखाते हैं। देख रहे हैं श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ पे, और यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। यह चुके हैं गीता भवन में, यहाँ पे रहना खाना तो ऐसे फ्री ही, लेकिन आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट। अगर आप घूमना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आप रेंटेड एक्टिवा ले लीजिएगा, क्योंकि आप 400-500 में एक्टिवा आपको मिल जाएगा, 500-600 में, और पूरे दिन आप आराम से पेट्रोल लगा के पूरा घूम सकते हैं। सबसे अच्छा साधन है, भीड़ भी होगा जाम भी होगा तो आपको यहाँ से ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती एक्टिवा लेने से, तो आप आराम से घूम भी सकते हैं। अब एक आश्रम है बचा हुआ है इधर, स्वर्ग आश्रम, जहाँ पे आपको हमने पहले ही बता दिया। देख रहे हैं काफी सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं।
ये पूजा पाठ आज आपको पता ही है भीड़ इस कारण है क्योंकि आज अमावस्या एकादशी स्नान होता है और इस स्नान में काफी दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, पिंड दान करने के लिए। ये हम आ चुके हैं फाइनली रामझूला में। काफी भव्य काफी सुंदर ब्रिज है और यहाँ से जो दृश्य है माँ गंगा की वो आप देखेंगे, काफी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। जब भी आते हैं ऋषिकेश तो यहाँ पे जरूर आए, और एक यहाँ पे नहीं आए मतलब आप ऋषिकेश का प्रमुख स्थान नहीं देख पाए, क्योंकि ये ऋषिकेश के प्रमुख स्थानों में से एक है। जैसे कि आपने देखा वो जानकी सेतु है जो कि हमने आपको पहले दिखा दिया था, और ये राम झूला है। लक्ष्मण झूला बंद है, वहाँ पे अभी काम चल रहा है, वहाँ पे भी काफी सुंदर दृश्य निकल के आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे। अभी हम आ चुके हैं ऋषिकेश में और हम खड़े हुए हैं राम झूला में। आज तारीख 28 सितंबर है और सुबह के 8 बजे हैं। काफ़ी अद्भुत काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिल रहे हैं, तो चलते हैं आपको पूरा हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश का भी दृश्य दिखाएंगे। इस वीडियो में खासतौर पर आपको पूरा ऋषिकेश का दृश्य देखने को मिलने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी हुआ देख रहे हैं और बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा है। और बारिश होने के बाद जल की धारा भी काफी तेज हो चुकी है।